नमस्कार, आप देख रहे हैं namo4media.com। झांसी में पहली कोरोना मरीज की हालत में हुआ सुधार, आज हुई डिस्चार्ज। आपको बता दें कि झांसी वासियों के लिए आज खुशखबरी है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती पहली महिला कोरोना मरीज की हालत में सुधार हो गया है। उनकी तीसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें आज यानी 9 मई को डिस्चार्ज कर दिया गया है। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 21 केस पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें 2 मरीजों की मौत हो गई थी। शेष 19 कोरोना मरीजों की जांच कराई गई है, जिसमें 7 केस नेगेटिव निकलकर सामने आए हैं। पहले मरीज के 14 दिन पूरे हो गए हैं, उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में जिले के अंदर 12 केस पॉजिटिव हैं। केसेस पॉजिटिव पाए गए थे और 21 पॉजिटिव केसेस में 2 केसेस की मौत हुई थी, जिसमें अन्य गंभीर बीमारी और इमरजेंसी में आए तो इमरजेंसी में उनकी डेथ हुई थी। साथ में अभी जो 19 केसेस में आज दोबारा सारी टेस्ट करना पड़ा था और टेस्ट में भी लगभग 7 केसेस नेगेटिव निकल के आए। और जो पहला पेशेंट है उनका 14 दिन पूरी हो गया, तो फिर उसको हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। और वर्तमान में झांसी जनपद में लगभग 12 केसेस हैं जो कोविड पॉजिटिव थे। और साथ में ये देखना है कि परसों जो हमारे कॉन्स्टेबल्स जो डोडोगन का जो पॉजिटिव आया था वो आज नेगेटिव हो गया, और एक जलालपुरा गाँव से जो पॉजिटिव आया था वो भी नेगेटिव हो गया। और आज एक नया केस आया है जो सायरा पे 80 साल की महिला है सिटी में। तो ये सारी चीज़ें